विश्व भर के अलग अलग दबावों के बाद भी इजराइल गाजा में युद्ध रोकने को तैयार नहीं है, जबकि कई रिपोर्ट्स में जानकार अब तक दावा कर चुके हैं कि इजराइल के लिए गाजा में हमास और हिजबुल्ला का मुकाबला करना अब आसान नहीं दिख रहा है। दावा करने वालों ने यहां तक कहा कि हमास और हिजबुल्ला के साथ अब इजराइल की तरफ से युद्ध को आगे बढ़ाना इजराइल की बर्बादी का संकेत है। जानकार इस बात का भी हवाला देते हैं कि इतने लंबे समय से युद्ध चला आ रहा है, उसके बाद भी अभी तक इजराइल हमास की अंडरग्राउंड सुरंगों को बहुत नुकसान नहीं पहुंचा पाए हैं। ये सुरंगें ही हमास और हिजबुल्ला के लड़ाकों की ताकत है। ऐसे में इजराइल के लिए आगे की लड़ाई बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन वो जिद पर अड़ा है। हमास की सैन्य शाखा अल कसाम ब्रिगेड ने एक वीडियो जारी किया जिसमें गाजा पट्टी में राफा शहर के क्षेत्र में इजरायली कब्जे वाले सैनिकों के खिलाफ किए गए हमले को दिखाया गया है। वीडियो में कसाम के लड़ाके दो टाइगर ट्रूप कैरियर को बम से तबाह करते हुए दिखाए गए हैं। दोनों ही हमले बहुत कम दूरी से किए गए थे। अल कसाम के लड़ाकों ने उस घर को भी निशाना बनाया जहां इजरायली सेना छुपी हुई थी। वीडियो में अल कसाम के लड़ाकों के तबाही मचाते हुए कई मंजरों को दिखाया गया है। अल कसाम ब्रिगेड इजराइल के एक से एक बेहतरीन टैंकों को निशाना बना रहा है। इधर हिजबुल्ला भी इजरायली सैनिकों की तगड़ी ट्रैकिंग और निगरानी कर रहा है और उन्हें निशाना बना रहा है। हिजबुल्ला को तो कह सकते हैं कि वो एक एक इजरायली हमले के बदले चुन चुन कर जवाबी हमले कर रहा है। हिजबुल्ला की तैयारियों से साफ लगता है कि वो युद्ध को सिर्फ टालने की तरह नहीं लड़ रहा है, बल्कि वो इजराइल को पूरी तरह से सबक सिखाने के मूड में है। माहौल को देखते हुए इजराइल के ही एक रिटायर इजरायली मेजर जनरल ने चेतावनी दी है, यदि हमास और हिजबुल्ला के साथ इजराइल का युद्ध जारी रहा तो एक साल के भीतर ये इजराइल के पतन का कारण बन सकता है, यानी ये युद्ध इजराइल के लिए ही खतरनाक हो सकता है। उन्होंने युद्ध में इजराइल की हालत को लेकर वहां की सैन्य स्ट्रेटजी को भी कमजोर बताया। एक तरफ जहां हमास गोला बारूद और हथियारों से लैस है, वहीं इजराइल के हथियार खत्म हो रहे हैं। वहां के लोग सेना में भर्ती होने से भी दूर भाग रहे हैं। ऐसे में इजराइल के सामने चुनौतियां एक के बाद एक आती जा रही है। वो लगातार हमास और हिजबुल्ला के सामने पिछड़ भी रहा है, लेकिन उसके बाद भी युद्ध से पीछे हटने को तैयार नहीं है। Thank you.